उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को समाप्त हो गई है, जिसके बाद तमाम टीवी चैनल्स पार्टियों की हार जीत को लेकर सर्वे कर रहे हैं। और जो सर्वे सामने आए हैं उसमें साफ हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है, जिसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले सोमवार को सामने आए एग्जिट पोल के बाद तस्वीरें कुछ साफ हो गई है। लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सत्ता में बने रहने की भविष्यवाणी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का एग्जिट पोल को लेकर बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में सक्रिय रूप से शामिल वाड्रा ने कहा, हम जितनी मेहनत से लड़ सकते थे लड़े, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत मार्च का नेतृत्व करने मंगलवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है कि उन सभी ने लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें उन्हें मनाना चाहिए। For Women's Day, it's to celebrate our 159 women candidates, and I think it's a big thing that all of them fought. That 40% of the candidates were women, and I feel that it's Women's Day, we should celebrate them. बता दें कि 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 202 है और एग्जिट पोल ने भाजपा को अपने सहयोगियों के साथ सहज बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है। चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार भी प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार सत्ता में लौट रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 294 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। वहीं बसपा को 2, कांग्रेस को 1 सीट से ही सब्र करना पड़ सकता है। इसके अलावा 1 सीट अन्य के खाते में भी जाती नजर आ रही है। इससे पहले टीवी चैनलों की भविष्यवाणी को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा, उन्हें जो दिखाना हो दिखाने दीजिए, हम बहुमत से जीत रहे हैं। बता दें कि सोमवार शाम को एग्जिट पोल आने से पहले अखिलेश यादव ने एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत के दौरान बात कही। अखिलेश यादव ने दावा किया कि हम इस बार 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटों के साथ हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान झूठ और नकली डेटा पेश करने के लिए भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।